ये आपको एक रास्ता मिल जाए कि प्योर कहेंगे कि कुछ मिलेगा, पूछेगा कि 15 रुपया में दिखाए, आप कहेंगे 5 रुपया। चलो बेटे नहीं तो नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक है ना, 5000 रुपये बना, ठीक है, आइंदा से ध्यान रखो। हमने आपके साथ जो इंटरेक्ट किया है 2 घंटे में, मैं बहुत फर्क के साथ कह सकता हूं कि हमारा आपका जो डिस्कशन हुआ वो इमोशनल डिस्कशन है, उसमें ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके पीछे कारण क्या है कि अगर हम एक अच्छे साथी नहीं बन सकते, एक अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते, एक अच्छे लोग नहीं बन सकते, तो हम बेशक हम अपने ऑफिसर्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सर्विस इंडस्ट्रीज में आप लोगों को वेलकम कीजिए, उनको अटेंड कीजिए, आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो थॉट प्रोसेस था उससे बाहर निकलिए, आप एसी चेयर रूम से कमरे से बाहर निकलिए। ऐसा नहीं कि हम आप ही के साथ कर रहे हैं और खुद के ऊपर कर रहे हैं, आपके ऊपर कर रहे हैं, हमने ऑफिसर को भी ये कह रहे हैं। सर, ट्रेनों को गिराने की कोशिश की जा रही है, चोरियां बढ़ गई हैं, बजट में सुरक्षा और सुरक्षा प्राथमिकता दी गई थी और इस बजट के बाद देख रहा है कि ये सब घटनाएं बढ़ती जा रही है। देखिए, रेलवे जिस हाल में हमें मिली है, एज ए पैसेंजर एमएनटीज कमेटी मेंबर, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आज और पहले में अंतर पब्लिक खुद कह रही है कि हुआ। चोरियों का जो प्रश्न है, इसमें कोई संशय नहीं कि चोरियाँ हुई हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी भी, ठीक है सर, लेकिन उसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे मॉनिटर करें, कैसे उसको ट्रेस आउट करें, केस को इमीडिएटली ओपन करें, इसके लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट इक्विपमेंट के बारे में मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप लोग इस बात के गवाह हैं, नंबर वन। नंबर टू, देश में बेरोजगारी किस अवस्था पे आके खड़ी है ये आपसे छिपा नहीं। हो सकता है कि मेरे पास पॉकेट में पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी भी नहीं है, ठीक है, और मैं धर्म को मानने वाला हूँ, मेरी माता पिता ने मेरे को स्पिरिचुअली बहुत साउंड पाल पोस के बड़ा किया है, तो मैं क्राइम की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं कैसे भी समय बिता लूँगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इतने स्ट्रांग ना हो, तो वो हो सकता है कि किसी का ग्लास रखा है धीरे से, मेरे घर में नहीं है, मैं ले लूँ, ऐसा हो सकता है। ऐसे लोगों को भी हम पकड़ करके और काला पानी की सजा दें, ये भी मत नहीं है मेरा। हमारा मत है ऐसे जो लोग पकड़े भी जाएं, उनको पहले मोटिवेट किया जाए, उनको साइको जो उनके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए जो सिस्टम है वो दिया जाए, उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज को दिया जाए, और इस बारे में मेरी सरकार कोशिश कर रही है कि हम हर हाथ को काम दे सकें, लेकिन ये टारगेट तभी पूरा होगा जब हर एक इंस्टीट्यूशन अपने कर्तव्य को पूरा करेगा। वो शिकायतें हैं सर, एक सेकेंड, वो जब जाता है तो उस समय पर्पसली फोर्सली पैसा वसूला जा रहा है, जो कि गलत है। ड्रॉप करने वाले से भी पैसा वसूल रहा है, ये शिकायत में शिकायत है कि जो ड्रॉप करने के लिए आ रहा है, आइदर मतलब बाई 2 व्हीलर हो बाई 4 व्हीलर, तो वो जो है उससे ही पैसे लिए जा रहे हैं। सो ऐसी कंडीशन में हमारा ऐसा सजेशन है कि इनको 50,000 रुपये का पेनल्टी उस कंप्लेन के बेस पे आप इंक्वायरी कर लीजिए, आप स्वतंत्र रूप से हाँ सर्वेलेंस करके, और 50,000 रुपये का इसको कॉन्टैक्ट के साथ साथ जो है ना एक सिस्टम आप जनरेट कीजिएगी, ताकि 50,000 देने के बाद फिर कल वही काम करेंगे, फिर पैसे वो जो है पैसेंजर से निकालेंगे, 50,000 देंगे पैसेंजर से निकालेंगे, इसलिए इस प्रकार की जो है दादागिरी इनकी नहीं चले, आप समझ रहे हैं ना। अब आगे एक भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, फिलहाल तो एडीआर फिलहाल तो एडीआर साहब आप इंक्वायरी कीजिए और पनिश कीजिए।
पनिशमेंट से क्या है कि एक मैसेज जाएगा, जैसे कल अगर मीडिया में न्यूज़ बनता है तो पब्लिक को भी पता चलेगा कि यहाँ अत्याचार हो रहा है, तो वो भी 10 लोग आपको कंप्लेंट करने आएंगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। जो पैसेंजर आता है किसी को छोड़ने के लिए आ रहा है, वो करने के लिए उनके उसके पास ना तो टाइम है ना उसकी कैपेसिटी है कि इनके दादागिरी से लड़े, और उसमें डालिए जो न्यूज लगेगा। मैं मीडिया बंधु से निवेदन करूंगा, इनके मसल पावर के आगे जो है वो टूट जाते हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मैं मीडिया बंधु से निवेदन करता हूं कि कल के न्यूज में ये बात भी आप लिखिए कि पेनाल्टी की गई है, जांच के लिए बोला गया है, साथ में वो पब्लिक के लोग जिनके साथ यहाँ पे कोई अन्याय हो रहा है, सो वो सीनियर डीसीएम को और एडीआरएम को स्पेशली जा करके कंप्लेन दें। अदरवाइज क्या होगा कि अगर इनके पास कंप्लेन नहीं आएगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा इंक्वायरी का दिया हुआ ऑर्डर भी यूजलेस हो जाएगा। ये दूसरा, आप लोग मीडिया के लोग भी आपको जो है टाइम टू टाइम आकर इसको देखिए जो है क्या हो रहा है, आप लोग जो है मीडिया के माध्यम से भी इसको हाईलाइट करते रहेंगे, तब इनको शर्म आएगी, कुछ लिहाज मतलब होगा, क्योंकि वो दादागिरी वाला चीज हटना चाहिए। सर कई बार जा चुके हैं, कई बार कंप्लेन हो चुकी है।